Hello guys, welcome to the channel. So this video is all about preparing strategy for GA mains exams के लिए हम GA prepare कर लेंगे. जैसा कि आप जानते हैं कि अभी आने वाले exams जो हैं वो हैं SBI clerk mains और RBI assistant mains. So उनके लिए best strategy रहेगी. हम discuss करते हैं आपको क्या पढ़ना है. So GA में सबसे important चीज जो है पहली वो होती है current affairs. ठीक है, और करंट अफेयर्स के आपको पढ़ना कहाँ है और कैसे पढ़ना है मैं आपको बताता हूँ. करंट अफेयर्स आपको सिर्फ 4 से 6 मंथ्स का पढ़ना है. 4 मंथ्स का आप पढ़ेंगे एकदम अच्छी तरह, और कहते हैं ना कि घोल के पी जाओगे. 6 मंथ्स का बाकी जो 2 मंथ्स का है वो कैसे पढ़ना है वो अभी मैं आपको बताऊंगा. और 4 मंथ्स का कैसे पढ़ना है देखिए, जैसे कि हम अभी प्रिडिक्ट कर रहे हैं कि एग्जाम हो सकता है हमारा जुलाई में हो. ठीक है, मान लो 25 जुलाई तक एग्जाम होगा तो उससे एक वीक पहले तक यानी 19 जुलाई तक पढ़ने हैं आपको. उसके बाद उससे पीछे के 4 मंथ्स जून, मई, अप्रैल और मार्च, इसके तो आपको बहुत अच्छी तरह पढ़ने हैं. ठीक है, और बाकी जो है जनवरी फरवरी. अब मैं आपको सोर्स बताता हूँ कि किससे पढ़ने हैं आपको. तो फर्स्ट जो सोर्स है हमारा वो है अड्डा, अड्डा 247. अड्डा के आप डेली के जो करंट अफेयर्स आती है अड्डा की ऐप में, और आई होप सबके पास हो ही हुआ है, जो उसके डेली के करंट अफेयर्स आपको पढ़ने हैं अड्डा की ऐप का. ठीक है, उसके बाद जो सेकंड चीज आती है मंथली, आपको रिवाइज कहाँ से करना है. आपको जो मंथली है वो रिवाइज करना है, चाहे आप ग्रेड अप से कर लें, ठीक है, चाहे आप अफेयर क्लाउड से कर लें, चाहे आप स्टडी आईक्यू की वो जो 300 वाली वीडियोस है वो पढ़ लें. पर प्लीज ध्यान रखिए गाइस, आपको सिर्फ 2 ही सोर्स करने हैं. डेली के लिए आप अड्डा करिए और मंथली के ग्रेड अप कर सकते हैं, या डेली के अड्डा मंथली के अफेयर क्लाउड. सिर्फ 2 ही सोर्सेस पढ़ने हैं आपको, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ. जितने कम सोर्सेज होंगे उतना कम बर्डन होगा और उतनी अच्छी तरह से प्रिपरेशन कर पाएंगे. बस आपको करना ये है मल्टीपल टाइम रिविजन करनी है. ठीक है गाइस, एक ही बात याद रखिए, जो स्ट्रेटेजी जो मेन चीज है किसी भी एग्जाम को क्लियर करने की वो है रिवीजन, रिवीजन एंड रिवीजन. ठीक है, तो आई होप करंट अफेयर आपको बिल्कुल क्लियर हो गया हो कहाँ पढ़ना है. आपको मैंने सोर्सेज बता दिए, कैसे पढ़ना है ये भी बता दिया. अब बात आते हैं स्टैटिक की. स्टैटिक के लिए आपको करना क्या है, जब आप करंट अफेयर पढ़ेंगे तो उसी में आपको स्टैटिक का पोर्शन भी कवर हो जाएगा. स्टैटिक कहीं और से नहीं आता, स्टैटिक वहीं से आता है जो करंट में चल रहा होगा. जैसे पीएम मोदी का विजिट जिस कंट्री में, उस कंट्री की कैपिटल कैपिटल करेंसी पूछ लेंगे, या उस जैसे हम किसी स्टेट की कोई न्यूज, स्टेट के नेशनल पार्क पूछ लेंगे, हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट जितने भी चल रहे हैं सारे पूछ लेंगे. तो आपको उस वहीं से प्रिपेयर करना है. ठीक है, जैसे आप अड्डा अड्डा से प्रिपेयर कर रहे हो ना, तो अड्डा की ऐप में आपके साथ स्टैटिक के भी पोर्शन आते हैं, उसको साथ साथ रिवाइज करते रहना. अब थर्ड चीज आती है बैंकिंग अवेयरनेस. सो गाइस, बैंकिंग अवेयरनेस के लिए सबसे बेस्ट मैं आपको बताऊं ना, आप गूगल पे जाना, गूगल पे टाइप करना बेस्ट 500 और 1000 बैंकिंग अवेयरनेस एमसीक्यू. प्लीज रिमेम्बर एमसीक्यू ही डालना, और जो जो नोट्स वाली पीडीएफ आती है आईपीएस गाइड की है, अड्डा की है, उसके पूरे नोट्स मत पढ़ने लग जाना. उस पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ एमसीक्यू पढ़ने हैं, और उसमें से जो आपको समझनी है उसको आपको गूगल करना है. उसको जैसे टर्म्स, जो भी बहुत सारी टर्म्स होती हैं उसको गूगल करना है, फिर उसके नोट्स बना के उसको रिवाइज करना है, उसी को आपको मल्टीपल टाइम रिवाइज करना है. सो गाइस, ये था आपका, तीनों सेक्शन मैंने बता दिए कैसे करना है. और आपको बिलीव कीजिए, आपको कुछ और पढ़ने की जरूरत नहीं है. बहुत सी वीडियोज आपको मिलेंगी डेली पढ़ने, तीन मतलब एक सोर्सेज से आने तो लोग 3 से 4 सोर्सेज 3 to 4 सोर्सेज करने लग जाते हैं. गाइस मैं आपको एक बताऊं, जीए बड़ा अनप्रिडिक्टेबल है. आपको 3 से 4 सोर्सेज करने की कोई जरूरत नहीं, आप सिर्फ मैक्सिमम 2 सोर्स कर सकते हो. हम डेली करंट अफेयर तो कर ही रहे अड्डा से, बाकी मंथली हम ग्रेड अप से कर सकते हैं, अफेयर क्लाउड से कर सकते हैं. आपको और कुछ करने की जरूरत नहीं, इसमें आपका सब कुछ क्लियर हो जाएगा. ठीक है गाइस, तो मैं इस वीडियो को बहुत शॉर्ट और क्रिस्पी रख रहा हूँ, बहुत शॉर्ट होनी चाहिए, क्योंकि वीडियोज देखने से सिर्फ एग्जाम क्लियर नहीं होगा. आप ज्यादा टाइम अपने वीडियोस यूट्यूब वीडियो सर्च करने में मत गवाएं, मैं तो आपको ये सर्च करूंगा. ये जो मैंने आपको बताई ये बेस्ट स्ट्रेटेजी, आप सिर्फ आप लग जाइए पूरे काम में. थैंक यू गाइस, अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो प्लीज लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, और अपने अपने सभी फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए. आने वाले टाइम में मैं आपको एक एक चीज बताऊंगा
कि आपकी जैसे रीजनिंग की स्ट्रेटेजी बताऊंगा, मैथ्स की स्ट्रेटेजी बताऊंगा और आपके डेली टारगेट्स, आपको एक्चुअली करना क्या है, हर दिन क्या करना है वो मैं आपको बताऊंगा, जो आजकल जो आप अभी तक आपको यूट्यूब पर किसी ने नहीं बताया होगा, वीडियोस बनाते सब चले जाते हैं, पर ये नहीं डेली टारगेट्स क्या है वो मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। सो थैंक यू फॉर योर टाइम्स गाइज, अच्छा लगा आपसे मिलके, थैंक्स फॉर लिसनिंग।